नमस्कार दोस्तों, फोनवे टेक्निकल इंस्टीट्यूट में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हमारे पास सैमसंग का M31S आता है, जो आपका M317 मॉडल होता है। M31S, इसमें चार्जिंग का प्रॉब्लम है। ये देख सकते हैं, ये हमारा 10% बैटरी चार्ज है और यहाँ पे जो एरर आ रहा है वो USB का एरर आ रहा है। यहाँ पे हमारा एक USB का एरर बन के आ रहा है और जो चार्जर पे कंजप्शन चल रहा है वो हमारा चल रहा है 0.67 फ्लैक्चुएशन में, मतलब हाई स्पीड चार्जिंग नहीं ले रहा है, बहुत स्लो चार्जिंग हो रही है फ़ोन में। तो ये चीज़ हमें इसका फाइंड आउट करना है, ये प्रॉब्लम आती किस वजह से है और किस किस कारणों से हमारी ये लाइन में प्रॉब्लम बन रहा है। तो सबसे पहले हमें इसका जो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, तो फ्रेंड्स चेक करते हैं इसमें, क्योंकि यहाँ से एक आप देख सकते हैं, यहाँ से एक लंबा सा जम्पर भी लगा हुआ है जो कि हमारा इस कनेक्टर से होता हुआ, इस कनेक्टर के ऊपर लगा के उन्होंने चेक किया होगा। कभी का ये जम्पर लगाने का रीज़न ये होता है कि जो यहाँ से हमारा एम्पियर होता है, वोल्टेज तो हमारा शो हो रहा होता है मगर एम्पियर प्रॉपर नहीं पहुँच रहा होता है। तो कुछ लोग ऐसे जम्पर लगा के भी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, तो उसकी वजह से भी हमारी जो सैमसंग की कुछ सेट ऑफ फेक चार्जिंग प्रॉब्लम समस्या सॉल्व हो सकती है। तो उन्होंने भी ये चेक करा होगा जम्पर लगा के, मगर नहीं हुआ है। तो अभी हम इसको चेक करते हैं सबसे पहले कि हमारा आउटपुट इनपुट वोल्टेज ओके है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं इसके वोल्टेज। तो अभी हम मदरबोर्ड से फ्रेम को अलग कर देते हैं। अब हम चेक करते हैं यहाँ पे सारे वोल्टेज, पहले इसका अभी हम वीवस चेक करते हैं। तो अभी हमने जो इसका पत्ता था मदरबोर्ड को अपने बोर्ड से अलग कर दिया है, मदरबोर्ड को फ्रेम से रिमूव कर दिया है। इसके बाद हम इसका जो वोल्टेज है, जो आसपास के कंपोनेंट्स होते हैं चार्जिंग आईसी के, उन पर हम प्रॉपर वोल्टेज चेक करते हैं हमें कितना कितना मिल रहा है। तो अभी हम सबसे पहले चेक कर लेते हैं VPH वाली कॉइल पर। तो यहाँ पे तो हमारा वोल्टेज हमें प्रॉपर मिल रहा है, 4.5 वोल्ट हमारा बन रहा है। तो हर साइड में अलग अलग बनता है, किसी साइड में 3.2 से लेकर 4.3 तक VPH पावर आता है। तो यहाँ पे हमारा फुल VPH पावर अभी आ रहा है क्योंकि बैटरी कनेक्ट नहीं है। और ये हमारा 4.6 भी मिल रहा है आज, यहाँ पे 4.6, 4.6, और ये भी हमारा प्रॉपर वोल्टेज मिल रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो वोल्टेज है यहाँ पे भी प्रॉपर मिल रहा है, और ये चार्जिंग IC के जो वोल्टेज हैं वो हमारे सारे के सारे यहाँ पे आ रहे हैं। तो ये हमारी कौन सी IC यहाँ पे देख लेते हैं। ये हमारे USB के 5 वोल्ट यहाँ से होते हुए IC में जा रहे हैं। अब आगे हम और चेक करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा जो वीवस का जो कनेक्शन है वो प्रॉपर ही हमारा चार्जर से आ रहा है और प्रॉपर चार्जिंग IC में जा रहा है, और हमारे सारे वर्क के सारे वोल्टेज भी आउट हो रहे हैं। इसके बाद हमारा जो निशान आ रहा है, क्योंकि चार्जिंग हमारी इनेबल भी हो रही है और चार्जिंग से डिटेक्शन भी ले रहा है, क्योंकि सही चार्जिंग भी कर रहा है मगर स्लो कर रहा है। तो स्लो चार्जिंग के लिए जो हमारी चीज़ें जिम्मेदार होती है, हम डायरेक्ट उनकी तरफ चलते हैं, जैसे कि DP DM, USB ID, थर्मल वगैरह। तो अभी हम USB DP DM और USB DP DM, USB ID और स्टेप बाय स्टेप चेक करते हुए हमारी लाइनों को आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा जो ये फॉल्ट है वो हमें कहाँ से मिलने वाला है। तो चेक कर लेते हैं सबसे पहले हम यहाँ पे, तो काफ़ी देख रहे हैं आप, यहाँ पे भी काम हुआ है, यहाँ की कंपोनेंट भी मिसिंग है, तो हमें थोड़ा सा आई स्कैनिंग भी करना पड़ सकती है। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारा रीडिंग ओके है, और जो DP DM के कनेक्शन है वो हम पहले एक बार बोर्नियो में देख लेते हैं कि किस जगह पर हमें मिल रहे हैं। तो ये DP DM का जो कनेक्शन है हार्डवेयर सॉल्यूशन में, हमारा चार्जिंग IC में जा रहा है, ठीक है। और इसका हम आउटपुट देख लेते हैं, जो हमारा आउटपुट वहाँ से निकल रहा है, तो यहाँ से हमारी लाइन निकल रही है। तो ये हमारा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, मतलब 3 और 4 नंबर की पिन से हमारा DP DM आउट हो रहा है। तो देख लेते हैं 3 और 4 नंबर की पिन से हमारा जो DP DM है प्रॉपरली आउट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो 1 2 3, 3 नंबर पर हमें 613 की रीडिंग मिल रही है और 4 नंबर पर हमारा OL है। तो यहाँ पे हमारा DP DM का कनेक्शन ब्रेक पड़ा हुआ है, ठीक है।
इसे अब चेक करते हैं हमारा थोड़ा सा आई स्कैनिंग करके कि ये लाइनें कहाँ से आ रही हैं। तो या फिर हमें चार्जिंग आईसी को निकाल के डीपीडीएम का कनेक्शन भी बाहर लाना पड़ सकता है। तो हम एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पे कोई ट्रैक व्रेक। तो जैसे यहाँ पे कुछ कुछ लेयर ओपन है तो देखते हैं यहाँ पे ही हमारा कोई डीपीडीएम का कोई कनेक्शन तो नहीं है जो ओपन हो गया हो। तो फ्रेंड्स कुछ समझ में तो आ रहा है क्योंकि यहाँ पे कुछ कंपोनेंट उखाड़ दिए गए हैं और ये भी थोड़ा सा स्क्रैचिंग एसिड निकालने में स्क्रैचिंग हुआ है। तो एक बार हम रीडिंग से मैच कर लेते हैं कि हमारा ये डीपीडीएम कनेक्शन की कोई लाइन तो नहीं है। तो जो हमारी वहाँ पे रीडिंग मिल रही थी वो हमें मिल रही थी 613 के समथिंग। तो 628 अभी आ रही है हमारी करंट में, 626। ठीक है, अभी हम दोबारा यहाँ पे कनेक्टर पे वेरीफाई कर लेते हैं। तो जो हमारी रीडिंग आ रही थी OL और 625, तो मतलब यहाँ से जो हमारा जो इन्होंने सील्ड निकाला होगा या फिर जो भी किया हो तो इस रीज़न की वजह से तो यहाँ से जो हमारा है कनेक्शन ब्रेक हो गया है। तो यहाँ पे हमारा 625 की रीडिंग आ रही, मतलब यहाँ से हमारी कनेक्टिविटी वहाँ तक जुड़ी है और इस पिन पर कोई OL है। तो यहाँ पे OL है और यहाँ पे भी OL है और यहाँ पे ये दिख रहा है ये ट्रैक है एक आता हुआ, तो ये हमें रीडिंग मिल रही है और यहाँ पे भी हमारा OL है। तो इस ट्रैक से हम यहाँ की कनेक्टिविटी को देख के देखते हैं और ये हमारा ग्राउंड है। तो एक ट्रैक मुझे लग रहा है कि यहाँ से जो इन्होंने सील्ड निकाला है उस वजह से ये ओपन हो गया है। तो हम यहाँ पे एक बार सोल्ड करके देखते हैं और चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम DPDM का कनेक्शन यहाँ पे जोड़ते हैं और चेक करेंगे जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होता है या फिर एज इट इज़ सेम है। अगर यहाँ से हमारा काम नहीं बनेगा तो हमें पावर आईसी सॉरी चार्जिंग आईसी को निकालने के बाद उसमें जो DPDM का कनेक्शन गया है उसे वहाँ से यहाँ जोड़ना होगा, क्योंकि अभी सबसे पहले हमारा DPDM का लाइन है और सैमसंग किसी भी सेट में अगर DPDM का कनेक्शन ब्रेक होता है तो फेक चार्जिंग या स्लो चार्जिंग की प्रॉब्लम बन जाती है। तो इसको आराम से मास्किंग से भी हम बाद में कवर कर देंगे अगर हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो, क्योंकि इन केस कभी ये वो फ़ोन ओपन होता है तो ये लाइन ब्रोकन ना हो। फिर हम ये चेक कर लेते हैं कि कंफर्म हमारी लाइन यही ही है ना, गलत जगह जम्पर तो हमने नहीं किया है। चेक कर लेते हैं एक बार। तो ठीक है, यहाँ पे हमारी जो रीडिंग आ रही है वो 637 और यहाँ पे 619। हम चेक करते हैं कि जो हमारी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन हुआ है या फिर अभी भी सेम है, क्योंकि काफ़ी फ़ोन आते हैं, हर हर बंदे का कहना यही होता है सर मेरे फ़ोन पे वीडियो बना दीजिए, सर मेरे फ़ोन पे वीडियो बना दीजिए। अभी छोटे छोटे फॉल्टों का भी रिक्वेस्ट पे वीडियो बना के डालना पड़ता है। छोटा फॉल्ट तो नहीं होता, देखिए फ्रेंड्स आपके पास नॉलेज है तो कोई भी फॉल्ट आपके लिए बड़ा नहीं है, और अगर आपके पास नॉलेज नहीं है या फिर आपको अभी सीखने की ज़रूरत है तो फिर आपको हर फॉल्ट बड़ा लगेगा। देख सकते हैं फ्रेम पे साइन भी हैं और फ्रेम पे भी यहाँ पे इस पे साइन करे हुए हैं, किसी ने अपना नंबर वंबर डाल के लिखा है। जो भी भाई लोग काम करते हैं तो वो लोग कभी कभी अपना रेफरेंस नंबर डाल देते हैं कि इतने मॉडल का ये सेट है, तो एक काउंटिंग चलती है उनकी फ़ोनों के हिसाब से। तो अभी हमने इसको चार्जिंग लगाया है और चेक करते हैं। अभी इसने हमारा जो एम्पियर लिया है वो 0.2 मगर 1 एम्पियर लिया है। फ्रेंड्स ये हमारा काम किया है। तो अभी हम देखते हैं जो हमारा जो प्रॉब्लम आ रहा था वो अभी आ रहा है या फिर एज इट इज़ चेंज हुआ है। तो अभी इसको हाई स्पीड चार्जिंग पे जाने देते हैं। फिर से 0.6 पर आया है मगर अब 2 एम्पियर पे आ गया है। तो जो हमारा प्रॉब्लम था फ्रेंड्स वो सॉल्व हो चुका है। ये देखिए यहाँ पे जो निशान आ रहा था मैं आपको बड़ी स्क्रीन से दिखाता हूँ एक बार। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा प्रॉब्लम आ रहा था वो, ये देखिए मैंने चार्जर निकाल के दोबारा कनेक्ट किया है, ये हमारा लोगो आया। अभी अभी इसको हम और चेक करते हैं आगे। ये देखिए 17% बैटरी हमारा आप दिखा रहा है और यहाँ पे जो लोगो आ रहा था
वो भी हमारा चला गया है। तो ये हमारी जो प्रॉब्लम आती है वो DPDM की वजह से आती है। अगर आपके पास भी कोई सेट आता है तो उसे आप इस तरीके से देख के भी रिपेयर कर सकते हैं। थैंक यू।